हेलो फ्रेंड्स, आज हम बनाने जा रहे हैं हैदराबादी चिकन बिरयानी। इस वीडियो में आप देखने वाले हैं एक सिंपल रेसिपी जो आप घर पर आसानी से बना सकते हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो दोस्तों, चिकन मैरिनेशन के लिए क्या क्या इंग्रेडिएंट्स चाहिए मैं बता रही हूँ। पहले हल्दी पाउडर, चिल्ली पाउडर, ये है धनिया पाउडर, जीरा पाउडर, गरम मसाला, कर्ड, जिंजर गार्लिक पेस्ट, चिकन मसाला। उसके साथ हम ऐड करेंगे ऑयल और थोड़ा सा सॉल्ट। उसके बाद हम चिकन को मैरिनेट करके 1-1.5 घंटे के लिए रख लेंगे। तो आप मैरिनेशन करने के बाद चिकन बड़ा सा कंटेनर में रखेंगे, वो ऐसे कलर का आएगा। बासमती राइस है ये, इसको आप भिगो के इसका व्हाइट स्टार्च निकालने तक धो लेंगे। उसके बाद इसको पानी में ऐसे भिगो के 1 घंटे के लिए रख देंगे। तो दोस्तों, आप ऑनियंस को ऐसे पतले पतले करके कट कर लीजिएगा और इसको एक फ्राइंग पैन में ऑयल डाल के, ऑयल गर्म होने के बाद इसको 2-3 फेज में डीप फ्राई कर लीजिएगा। और डीप फ्राई करेंगे इसका कलर जब तक रेड ब्राउन कलर नहीं आए, उतना टाइम तक उसको डीप फ्राई करना है। देखिए दोस्तों, आप देख सकते हैं अभी प्याज फ्राई होने के बीच में है और धीरे धीरे कलर आ रहे हैं, तो इसको हम रेड ब्राउन कलर आने तक छोड़ देंगे। आप देख सकते हैं इसका कलर आ चुका है अभी रेड ब्राउन कलर, तो इसको हम निकाल लेंगे अभी। अभी हम इसको प्लेट में निकालने के बाद ठंडा करने के लिए इसको छोड़ देंगे और इसको ठंडा करने के बाद वो क्रिस्पी टेक्सचर आ जाएगा उस, इसको हम बाद में ग्राइंड कर लेंगे। तो दोस्तों, ये बिरयानी का ड्राई मसाला है, ये आप मार्केट से पूछ के खरीद सकते हैं बिरयानी का मसाला। तो इसमें कुछ इंग्रेडिएंट्स मैं अभी राइस में डालने वाली हूँ, तो अभी मैं राइस को कैसे बनाएंगे अभी मैं बताऊंगी। इसको 1/3 तक बॉईल करना है और ये मसाला जो आप देख रहे हैं इसमें से कुछ इंग्रेडिएंट्स अभी राइस में डालने वाली हूँ और बाकी का कब डालना होगा मैं आपको नेक्स्ट स्टेप में बताते जाऊंगी। तो ये वाटर में हम राइस को रख लिए हैं, तो राइस में अभी ऑयल डाल रहे हैं। ऑयल के बाद सॉल्ट डालेंगे। अभी ये दालचीनी डाल रहे हैं और ये ड्राई मसाले से ये डाल रहे हैं और ये स्टार अनाइस इसको भी डाल दे रहे हैं और एक लौंग भी आप डाल सकते हैं। तो हम अभी राइस को 1/3 बॉईल करने के लिए गैस में चढ़ा दिए हैं। तो अभी दोस्तों, ऑनियन को क्रिस्पी होने के बाद मैं उसको क्रश कर चुकी हूँ और ये आप देख सकते हैं, ये मार्केट से बिरयानी मसाला रेडीमेड मसाला है, आप ला सकते हैं। तो अभी ऑनियन क्रश्ड के साथ मैं सॉल्ट डालूँगी, सॉल्ट के साथ मिक्स करना है इसको और इसमें ये बिरयानी मसाला, ये दो चीज़ ऐड करके मिक्स करना है इसको। तो दोस्तों, अभी हम चिकन बनाना स्टार्ट करेंगे। तो आप देख सकते हैं ये जो मैरिनेशन करके रखा हुआ था 1 घंटे पहले का चिकन, तो इसमें अभी हम डालने वाले हैं कुछ इंग्रेडिएंट्स। ये है धनिया पत्ता, मिंट लीव्स, टोमाटो छोटा छोटा कट करना है और ये ग्रीन चिल्ली और ये हम जो बनाए थे मिक्सचर ऑनियन क्रिस्पी के साथ। तो अभी मैं डाल रही हूँ ये टोमाटो, ग्रीन चिल्ली ऐड करेंगे और ये जो ऑनियन का मिक्सचर था उसको डाल देना है ऐसे करके और इसमें ऐड करेंगे धनिया पत्ता और मिंट लीव्स। अभी हम इसको गैस को सिम करके कम फ्लेम में
10 मिनट्स तक पका लेंगे चिकन को। ये 1/3 जो राइस बॉइल्ड हो चुका था उसमें हम कुछ इंग्रेडिएंट्स डाल के उसको मिक्स कर लेंगे। ये ऑनियन जो था, ऑनियन का पाउडर, और मिंट लीव्स, धनिया पत्ता और बिरयानी का मसाला, ये सब डाल के राइस को एक बार घोल लेना है। तो राइस में सारे मसाले डालने के बाद ऐसे दिख रहा है, और चिकन 10 मिनट्स तक बॉईल करने के लिए छोड़ दिए हैं। चिकन 10 मिनट्स तक बॉईल होने के बाद हम ये राइस ऐड करेंगे। मैं दिखाती हूँ आपको नेक्स्ट स्टेप में। 10-15 मिनट्स चिकन होने के बाद राइस डाला हुआ है जो मिक्स करके रखे थे। अभी हम इसको 20 मिनट्स तक पकने के लिए देंगे। आपके पास अगर कोई पुराना तवा हो तो उसके ऊपर आप रखने का ट्राई करेंगे, तब अच्छे से बनता है। तो अभी उसको हम ढक के रख लेंगे 20 मिनट्स तक, उसके बाद हम गैस ऑफ करेंगे। देख सकते हैं बिरयानी बनके रेडी हो चुकी है। जैसे मैंने कहा था, हम चिकन को पहले 10-15 मिनट्स तक पकने के लिए छोड़ देंगे, उसके बाद हम राइस ऐड करेंगे, और राइस को कुक करने के लिए हम 20 मिनट्स तक छोड़ देंगे। तो अभी आफ्टर 20 मिनट्स मैं गैस को अभी ऑफ कर चुकी हूँ, और ये बिरयानी रेडी हो चुकी है और ये कुक हो चुका है अच्छे तरह से। तो अभी हम इसे ढक लेंगे और 30 मिनट्स तक ऐसे ही छोड़ देंगे गैस ऑफ करके, ताकि वो स्टीम से राइस अच्छे से कुक हो जाए। तो दोस्तों, आप सर्व कर सकते हैं बिरयानी रायता के साथ। आप देख रहे हैं ये बनके तैयार हो चुका है और बहुत ही टेस्टी दिख रहा है।